Hello students, now this is the video lecture of analog electronics or applied electronics, in which we will discuss the problems on JFET amplifier. Question is, in the circuit shown, ये circuit दिया हुआ है, JFET has IDSS 10 mA, VP minus 4 volt, calculate करना ID or VDS and also operating point of JFET. ये सर्किट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से IDSS 10 mA हो गया, VP माइनस 4 वोल्ट हो गया और VDD दिया हुआ है प्लस 20 वोल्ट. ओके, नाउ ये 4K ID प्लस VDS, ये सब जानते हैं आप, 1 एम और ये 2 वोल्ट. ओके, तो इसमें जीरो करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें हम लोग KVL लगाते हैं. इसको और अच्छे समझने के लिए एक अलग से सर्किट बनाया हमने. ओके, माइनस 2 वोल्ट 1 एम, यहां से यहां VGS. ओके, KVL लगा दिए, माइनस 2 प्लस 1 एम इंटू 0 प्लस VGS इक्वल टू व्हाट, 0, देन VGS इक्वल टू 2 वोल्ट. नाउ सॉकले इक्वेशन करता क्या है, ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाय VP 2 होल स्क्वायर. तो IDSS पता है, 1 माइनस VGS पता है और VP इक्वल टू माइनस 4 पुट अप कर दिए, देन ID क्या आ गया, 2.5 mA. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, आईडी इक्वल टू 2.5 mA. ओके, नाउ अब हम लोग जो है इस आउटर लूप में जो है केवीएल लगा रहे हैं. आउटर लूप, यहां से ये बैटरी लगाते हैं हम लोग, ये वीडीडी. ओके, नाउ केवीएल लगाए तो माइनस वीडीडी प्लस आईडी इनटू 4K प्लस वीडीएस इक्वल टू व्हाट, 0. तो VDD दिया हुआ है 20, IDM निकाल लिए, VDS निकाल लेंगे, VDS इक्वल टू 10 वोल्ट. हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है JFET का, वो VDS ID होता है. ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो, ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है. नाउ दिस इज द 10, 2.5 मिली, दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट. ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्लिक करते हैं इसी में. अभी एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट सी. नाउ अंदर प्रॉब्लम इज, ये सर्किट दिया हुआ है. ओके, ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें JFET में IDSS 12 mA है, VP माइनस 4 वोल्ट है. ओके, यहाँ 3.5 के आरडी है, यहाँ पे आरजी है, यहाँ आरएस है. ओके, नाउ IDSS 12 mA, VP माइनस 4, VDD प्लस 20. नाउ इसमें हम लोग केवीएल लगा रहे हैं, इसका अलग से सर्किट आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो आईडी, तो ये भी आईडी हमारा होगा. ओके, ये भी आईडी, तो इसमें केवीएल लगा दिए, 1 एम इंटू 0 प्लस VGS. ओके, इंटू आईडी इंटू माइनस 10 टू पावर 3. ओके, आईडी तो इसमें लोग पुट अप कर दिए, तो ये क्या हो गया, आईडी इक्वल टू माइनस 10 टू माइनस 3 VGS आ गया. नाउ सॉकलेज इक्वेशन इसमें पुट किए, आईडी का वैल्यू, IDSS का वैल्यू 1 माइनस VGS माइनस 4. यहां देखो VGS के टर्म में आ गया, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो VGS यहां पे दो वैल्यू आ गया. ओके, दोनों नेगेटिव है, ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए, आईडी का वैल्यू आ गया पॉजिटिव. अब दो वैल्यू, अब दोनों वैल्यू पे हम लोग चेक करेंगे VDS का वैल्यू कितना होगा. VDS निकालना भी है हम लोग को, केवीएल लगाएंगे आउटर लूप में, ये आउटर लूप. ओके, इसमें भी आईडी फ्लो करेगा, ये इक्वेशन लिखे, माइनस VDD प्लस 3.5 के इनटू आईडी प्लस VDS प्लस आईडी इनटू 1K इक्वल टू 0, सॉल्व किए दिस इक्वेशन आ गया. नाउ आईडी इक्वल टू 2.26 मिली एंपियर, तो 20 माइनस 4.5 के मतलब हाँ 10 पावर 3, 2.26 मिलीमीटर 10 पावर माइनस 3, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 9.863 वोल्ट. VDS पॉजिटिव है, इट शुड बी. नाउ व्हेन आईडी इक्वल टू 7.07 मिलीएम्पियर, इस पे हम पुट करें तो VDS नेगेटिव आ गया, बट इन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET एम्पलीफायर VDS कांट बी नेगेटिव. ओके, इन दिस केस दिस इज द एन चैनल. ओके, नाउ सिंस VDS कांट बी नेगेटिव, सो ID इक्वल टू 7.07 mA इज नॉट पॉसिबल, सो ऑपरेटिंग पॉइंट VDS ID, VDS A और ID A.
then this is the problem, just practice themselves, okay? And if any problem, then message me और हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे. ओके, थैंक यू.